बेडरूम में ये इनका बेड है और इन्होंने बेडरूम में अपने जानवर रखे हुए हैं। चार जानवर टोटल इनके पास, दो ये बेडरूम में रखते हैं, दो छत पे रखते हैं। देखिए माशाल्लाह, पर ये एसी लगाया हुआ है उनके लिए। ये जो ड्यूटी है जी, सिर्फ इस नाम की जो मेरे नज़दीक मोहम्मद है और अल्हम्दुलिल्लाह इसी की ड्यूटी कर रहे हैं, इसी से ये मोहब्बत कर रहे हैं। इसी तरह का लॉक था इधर, उसमें इसने सिंह फंसा के जोर मारा है नीचे, वो भी फारे। उसके बाद ये देखिए अलमारी, मैंने इसको एक थप्पड़ मारा है जी दो तीन दिन पहले, इसने दो दिन कुछ नहीं खाया। इसके कुछ ना खाने की वजह से मेरी फैमिली ने भी कुछ नहीं खाया। उन्हें कहा जी कि आइंदा आपने इसको मारना नहीं। अब देखिए मुझे देख लिया, ये उठा देता है। आ जा। अच्छा। जी माशाल्लाह जी, आज आप आए हैं सूफी साहब के पास। इनके शौक़ की कोई मिसाल नहीं है, मतलब बड़े शौक़ देखे हैं, बड़े 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 लोगों के शौक़ देखे हैं, तो आज हम शौक करने लगे हैं। ये ब्रीड से मुतलका नहीं है, ये जानवर से प्यार से मुतलका है। मतलब कि हम भी बहुत जानवर से प्यार करते हैं, बकरों से प्यार करते हैं, पर इस लेवल का हम नहीं कर सकते। और इस लेवल का मैंने आज तक के बचपन से शौक कर रहा हूँ, किसी को करते हुए देखा भी नहीं है। ये सूफ़ी साहब माशाल्लाह तकरीबन एक साल से हमारे साथ रबते में है, तो आज फाइनली इनके घर हम पहुँच गए हैं। तो जी इनका ये शौक़ है माशाल्लाह जी, इन्होंने अपने बेडरूम में, ये इनका बेड है और इन्होंने बेडरूम में अपने जानवर रखे हुए हैं। चार जानवर टोटल इनके पास, दो ये बेडरूम में रखते हैं, दो छत पे रखते हैं। देखिए माशाल्लाह, पर ये एसी लगाया हुआ है उनके लिए। ये अभी हमने टेम्परेरी क्लोज करवाया है क्योंकि वहाँ पे लाइट का इशू आ रहा था, तो लाइट लगाई है। अस्सलाम वालेकुम सूफी साहब, कैसे हैं आप? बिस्मिल्लाह जी, अल्लाह का बड़ा करम। इसमें ग्रामी जी बताएं आप अपना। राना सजाद मेरा नाम है जी, और मोहब्बत वाले वैसे मुझे सूफी साहब कह के बुलाते हैं। अच्छा, और आपका बहुत शुक्रिया, आपकी नवाजिश है कि आप तशरीफ लाए। आप काफी देर से कह भी रहे थे। जी जी बिल्कुल, मैं पिछले 2-3 महीने से मिलना मुझे कराना चाह रहा था। बहुत ज्यादा कोई सोशल मीडिया का शौक तो नहीं था। जी जी जी, लेकिन आपने कहा जी कि इस तरह की चीज है, बिल्कुल बिल्कुल ये जाहिर होनी चाहिए ताकि लोग इस पे काम करें, लोगों को जो नेगेटिव शौक है वो खत्म हो और जो जेन्युइन सुन्नत रसूल है वो चले। बिल्कुल। ये जी मेरे पास एक एक दिन के हैं ये दोनों, एक एक दिन के। और इसको माशाल्लाह अब 12.5 महीने हो गए। अच्छा, दो दांत हो गया ये। हाँ जी, और वो 13 महीने की है। अच्छा, दोनों दोनों एक एक दिन के हैं, बगैर माँ के। हम ही इनके माँ बाप हैं। सही सही सही, इनके माँ बाप हम हैं। हमने दूध पिलाया है, हमने इसको खाना खिलाया। बस बेटा, बस फीडरों में। अच्छा, और ये यहीं पे रहे हैं। हमने बहुत कोशिश की है जी, तब ये बड़े हो गए हैं, तंग कर रहे हैं, इनको बाहर रखें। अच्छा, लेकिन बिल्कुल नहीं रह सकते, ना ये रहा जाता है इनसे नाम से। अगर हम इनको बाहर निकालते हैं तो बाकी घर के, चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह जॉइंट फैमिली में रहते हैं, जी, तो वो फिर हमें दूसरों का ख्याल करने की वजह से इनको अपने पास ही रखना पड़ता है। और उन सब की मेहरबानी, सब बहन भाइयों की, बच्चों की, ये बच्चे छोटे आप देखें, ये सारा दिन अगर मैं ऑफिस में हुआ तो टेक केयर इन्होंने करनी है। इन्होंने मुझे फ़ोन पर बताते रहना है कि इसने कुछ खाया है नहीं खाया। तो मैंने आपको इतनी बड़ी बात बताई है कि सोशल वर्किंग, बाहर का आना जाना सब कुछ खत्म हो गया। 4 घंटे की ड्यूटी इनकी, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे की शाम को। कोई मुलाजम मैंने नहीं रखा, मैं खुद मेहनत करता हूँ अल्लाह के नबी की सुन्नत समझ के। सुबह खुद इनके लिए दाना पट्टा लाता हूँ, इनकी सफाई करता हूँ, फिर गार्बेज फेंक के आता हूँ। उसके बाद शाम को भी सेम प्रैक्टिस है, इनको आगे चेक करना है। मेरे पास इनका थोड़ा सा मेडिकल का फर्स्ट एड का भी प्रोग्राम पड़ा हुआ है, मतलब बुखार हो गया, पेनाडोल टाइप, तो इस तरह का लूज मोशन हो गए, वो भी मैंने सब कुछ खुद ही करना है इन वन हैंड। तो बच्चे हैं, ये हुसैन भाई हैं, ये बेटा है, वो हसन है, फजल है, अहमद ताह है, ये सब ये ड्यूटी करते हैं मेरे साथ। और अल्लाह का ये इंतहा बेइंतहा करम है कि इन बच्चों को मेरे साथ इस तरह का शौक पड़ गया कि बुराइयों से बचे हुए हैं, बाहर की गैदरिंग से बचे हुए हैं, घर का शौक कर रहे हैं। तो ये 13 महीने से आपके बेडरूम में ही है? बिल्कुल इधर ही है। मैं आपको डे वन की इसकी वीडियोस दे देता हूँ। अच्छा, एक एक क्लिप मेरे पास मौजूद है, ठीक हो, आप उसको साथ मैनेज करके दिखाएं। डे वन से यहीं पे, ठीक हो गया। अल्लाह का, इसका नाम क्या रखा है सूफी साहब? इसका नाम है पहलवान। पहलवान, पहले तो हम इसको प्यारा कहते थे। अच्छा, लेकिन जब ये गुस्सा करने लग गया, अग्रेसिव हो गया, तो फिर हम इसको पहलवान कहते हैं। तो ये 24/7 ऐसे ही रहता है? ये आपके साथ कर रहे हैं? जैसे मैं पकड़ता हूँ, और किसी के साथ नहीं करेगा? तो तब ये नहीं करता, नहीं करेगा, सिर्फ तो ये एग्रेशन आपके साथ ही सिर्फ करता है? बिल्कुल मेरे साथ करेगा। देखिए मैं पास आता हूँ तो ये चुप कर जाता है। अभी मैं बाहर जाता हूँ, ये शोर करेंगे तो। अच्छा, एक एपिसोड देख लें, आप कितने लोग हैं, ये अभी बुलाएगा मुझे। ठीक हो गया, ये देखिए, हाँ जी, आप इतने लोग हैं, लोग नहीं चाहिए उसको, उसको मैं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बस उसने ये खेलना है, इस तरह करना। लोग इसको, इसकी एनिमल होने के नाते देखते हैं,
लेकिन इसके पास कोई और लैंग्वेज ही नहीं है। इसने प्यार भी इसी तरह बताना है, अपने एग्रेशन भी इसी तरह बताना है, इसने खाना भी इसी तरह मांगना है और खेलना भी इसी तरह। ठीक हो गया। अब ये चाह रहा है कि मुझे, मैं इसको थोड़ा सा बाहर निकालूं, जंपिंग करता हूँ। अच्छा। और ये फिर जनाब दीवार पे चढ़ने की कोशिश करता है, मारेगा, खेलेगा, कूदेगा, ये सारा कोशिश करता है। हाँ, इसके साउंड है डिफरेंट। इसके तीन किस्म के साउंड है जी, जो मैंने आइडेंटिफाई किए हैं। ठीक हो गया। पहला साउंड है जी इसका बिल्कुल लाइट सा, इसका मतलब है कि भाई मुझे पानी पिला दो। ठीक हो गया। अगर ये इसी साउंड को थोड़ा सा लंबा कर देता तो उसका मतलब है कि वो कह रहा है मुझे खाने के लिए कुछ दो। अगर ये इसी साउंड को बार बार करता है ब्रेकअप के साथ तो वो कहता है कि भाई नीचे गंद पड़ गया है। अच्छा। आप इसको साफ कर दें, उसके बाद मैं बैठूंगा, फिर आप भी बैठ जाइएगा। ठीक हो गया। चाहे ये रात के 3 बजे हो, एपिसोड प्रोग्राम सिस्टम यही है। ठीक हो गया। और रोजों में तो सारी रात जागते थे इसके साथ। हम रोजों में अल्हम्दुलिल्लाह हम रात जागते हैं, सहरी के बाद नमाज के बाद सोते हैं। रोजों में थोड़ी डिस्टर्बेंस थी हमें, लेकिन अल्लाह का करम है कि हमने इनसे ना, इन्होंने हमसे जान छुड़ाई ना हमने इनसे जान छुड़ाई, अल्लाह का ये एहसान है। और इतने बुरी आदतें, बुरे लोगों की गैदरिंग, बुरे शौक, अल्लाह ताला ने बचाया है। सिर्फ इसकी ड्यूटी है, बस ये मेरे मुताबिक तो जी मोहम्मद लिखा हुआ है, इसी की हम ड्यूटी कर रहे हैं, इसी की खिदमत कर रहे हैं, ये देखें, इसी से प्यार कर रहे हैं। इधर पहलवान बेटा, इधर इधर ऊपर ऊपर चल। देखिए जब हमारे पास आता है तो कोई एग्रेसिव नहीं है, कोई जिस तरह वो सिर्फ के साथ कर रहा है, लाड़ियां जो भी उनको कुछ बता रहा है, खेल रहा है, वो सिर्फ इनके साथ ही करता है। और हमारे घर में एक्स्ट्रा कोई हमारे मेहमान आ जाए ना तो भी ये एग्रेशन दिखाता है। अच्छा। हाँ, मुझे कहेगा कि यार ये कौन है। अच्छा, ये पूछ रहा है हमारे बारे में, पूछ रहा है। अब वो यही चेहरा आपको स्मेल कर रहा है, आपके बारे में पूछ रहा है कि ये कौन है और ये क्यों है कमरे में। ठीक हो गया। बस बेटा बस, ये सूफी साहब जब ये 2-4 दिन का था, महीने 2 महीने का, इस बेड के मेरे बेड पे सोता रहा है, भी हैं वीडियो भी हैं, वो भी क्लिप वीडियो में अटैच करेंगे। तो ये ना अपने शुरू में जब ये छोटा था तो इनके साथ बेड पे ही सोता था। तो अच्छा बेटा, अच्छा माशाल्लाह आसिम भाई, आपने ऐसा पहले शौकीन को ही भाई देखा है, मैंने तो अपनी जिंदगी में कोई नहीं देखा। मैंने पहली दफा सुनी है माशाल्लाह, सुनते नबी को इस कदर चाहना और इस कदर उसको अपने दिल से प्यार रखना, मेरा ख्याल है सुफी साहब ने इंतहा कर दी है, इंतहा कर दी है। और इस तरह की वीडियो व्यूअर्स माशाल्लाह आपको किसी चैनल पर नहीं मिलेगी जो मोहब्बत जना भाई माशाल्लाह दिखा रहे हैं आपको, और हमें उस जगह पर लेकर जा रहे हैं जहाँ आखिर शो को रहा है माशाल्लाह। मतलब कि माशाल्लाह ये कोई ब्रीड की एडवर्टाइजमेंट नहीं है, ये नॉर्मल सी ब्रीड है, लेकिन कलर प्रिंट माशाल्लाह हेल्दी है, कलर प्रिंट अच्छा है इसका, लेकिन कोई स्पेसिफिक ब्रीड नहीं है। तो एक चीज़ मतलब कि ये भी बताना हमारा मकसद है कि लोग 10-15 हज़ार रुपये में भी शोका से, सूफी साहब जब आपने जब बच्चा ये खरीदा था एक दिन का, कितने का लिया था ये भजन? समझे गिफ्टी था, गिफ्टी था, नो प्राइस। अच्छा, नो प्राइस। ये समझो कह रहे हैं सूफी साहब कह रहे हैं कि हमें एक दिन का गिफ्ट मिला था, तो ये डे वन से पाल रहे हैं, जो एक और गुड़िया जिसका नाम रखा हुआ है। तो वैसे तो इन्होंने 4 जानवर रखे हुए, लेकिन 2 को ये अपने बेडरूम में रखते हैं और 2 को ये छत पे। इनके वालिदैन नहीं थे। अच्छा, बात ये है कि इनके माँ बाप नहीं थे, तो सूफी साहब हमने इनके वालिद बने हुए हैं, वालदा बनी हुई है माशाल्लाह से। चलें जी दूसरी भी दिखाएं इसका, क्या जो आपके पार्ट है माशाल्लाह, ये इसको हम प्यार से गुड़िया कहते हैं। अच्छा, गुड़िया। यहाँ पे थोड़ा वीडियो कैप्शन करने का मसला हो रहा था, थोड़ा कमरे से बाहर जाके आपको शो करवाते हैं जी, गुड़िया का और पहलवान का। ना बेटा ना, ये जी इस तरह एक्टिव है, मारता है, चूंकि जानवर की एक अपनी हिस्सियात होती हैं और थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्टिव है, फूड इसने हमारे साथ खाना है, तो ये अल्लाह ताला का फजल है कि इनके साथ मोहब्बत और जो लगाव इस टाइप के है। और खाते भी ये पट्टे दाना बहुत कम है, जो हम खा रहे हैं हमारे साथ वही खाते हैं, कोई एक्स्ट्रा फीड, कोई एक्स्ट्रा ऑर्गेनिक स्पेस को नहीं पाला, सिर्फ रेगुलर रूटीन फीड पे। और ये अगर इसको एक्स्ट्रा देते तो अल्लाह बेहतर जानता है ये क्या करता। अभी इसने मेरा ये वाला जॉइंट जो है ना, ये मार के सींग बिल्कुल हला दिया हुआ, लेकिन खेलता इस तरह मेरे साथ ही है, इसने मेरे साथ ही रहना है। आप देखेंगे ये इस तरह प्यार करता है, मेरे अलावा किसी के पास नहीं जाता, किसी को भी नहीं पहचानता, भाई हैं छोटे इसने मुझे। और एक एक दिन के पाले में, एक एक दिन के मैंने इनकी दूध, और उसको दूसरा जानवर है वो तकरीबन 2 साल से दूध पी रहा है मेरे पास। ये जो ड्यूटी है जी सिर्फ इस नाम की,
जो मेरे नज़दीक मोहम्मद है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसी की ड्यूटी कर रहे हैं, इसी से ये मोहब्बत कर रहे हैं, और ये हमें बहुत प्यारा है, अपनी औलाद से बढ़ के प्यारा है माशाल्लाह। और हम तो इस क्रेज़ में है जी कि पता नहीं, हिम्मत नहीं हो रही इसको इस दफ़ा कुर्बानी करने की, लेकिन अल्लाह ताला का फरमान है कि सबसे कीमती और ख़ूबसूरत चीज़ मेरी राह में दो, तो उस चीज़ को सोच के अब ये देखें, अब इसने खेलना है, ये मारना है इसने, मुझे नहीं जाने देगा, कोई भी और आ जाए किसी को कुछ नहीं कहेगा, ये सब कुछ इसने मेरे साथ ही करना। अब दो दिन से UPS डिस्टर्ब कर रहा था, मैं रात 12 बजे बनवा के लाया कि इसने उसके बगैर नहीं रहना। ये मैं पिछले साल रमज़ान में रोज़ों से कुछ 4 दिन पहले अच्छा बकरा मंडी शेखुपुरा गया था अच्छा एक्सीडेंटली, कोई ख़ास वजह नहीं थी, ऐसे ही अचानक, तो इसकी मुझे बिल्कुल इतना सा फेस जो है ना अच्छा अंडर द टेबल से नज़र आया है, और माशाल्लाह नकोड़ इसका बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल छोटा सा फेस नज़र आया है। मैंने कहा यार इसकी माँ किधर है, वो कहते हैं जी मौलवी साहब वो हमने कसाइयों को बेच दी है। अच्छा इसकी भी एज 1 दिन थी उस वक्त अच्छा बिल्कुल कांप रही थी। मैंने कहा इसने मर जाना है अच्छा। मैंने उसको कहा यार पैसे बोलो अच्छा। उसने मुझे वक्त के मुताबिक जो भी पैसे बोले मैंने उसको पे कर दिया, ठीक हो गया। मैंने उसको पे किया और इसको उठा के ले आया, ठीक हो गया। तब से लेके ये 3 महीने शदीद बीमार रही है अच्छा 3 महीने शदीद बीमार रही है इसने जनाब लूज मोशन, और मैंने कहा इसको ज़िबा करा दे। आप जैसा दोस्त मिला नहीं, इसको कुछ ना करें, एक इंजेक्शन लगवा लें अगर आपकी किस्मत में हुआ। इंजेक्शन का नाम भी बता दें ताकि हमारे व्यूअर्स का फायदा हो जाए, कौन सा इंजेक्शन लगाया था? ओरल जो था वो स्ट्रिप्टोमाइसिन था अच्छा, जो आपने भी मेरा कल बताया था। ये तब भी की पता जब आप मेरे फार्म पे आए थे, बिल्कुल बिल्कुल, तब आपने जिक्र किया था मोशन लगे बिल्कुल, वो एक टेबलेट थी ट्राइडस बोलस करके नाम की, येलो कलर की अच्छा, वो दोनों मिक्स करके दिए और एक इंजेक्शन इसको डॉक्टर ने लगाया था, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो। लेकिन 2-3 महीने इसका मसला रहा, बहुत मसला, ये बिल्कुल मैंने, मेरी मोहब्बत थी कि मैं इसको लेके चलता रहा, अदरवाइज कोई कंडीशन नहीं थी इसकी, तो कमरे में ही रही आप, बिल्कुल मेरे पास रही है। जाहिर बात है बच्चा बीमार होगा तो माँ बाप के पास रहेगा, बिल्कुल, तो इनको तो अपने माँ बाप का बिल्कुल नहीं पता, ये इनको मतलब जानवरों में रहने का ही नहीं पता, वरना ऊपर भी हैं। ये मुझे पकड़ा एक दफा, क्या ये क्या करता उस टाइम छोड़े अच्छा, जब मैं पकड़ रहा हूँ तो ये जैसे वो जुबान वगैरह निकाल रहा है, बोल रहा है, तो जोर लगा रहा है अपना दिखा रहा है, लेकिन कुछ बोल नहीं रहा, जैसे उनके साथ कर रहा है, बिल्कुल अभी खामोश हो गया है, कोई ज़बान वगैरह नहीं निकाल रहा, कुछ जो सूफ़ी साहब को अपनी ज़बान में कुछ कह रहा है, मोहब्बत का इजहार कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं कह रहा, बिल्कुल चुप हो गया है। लेकिन देखें वो पकड़ते हैं तो पत्नी उनको क्या कह रहा है, क्या बताना चाह रहा है, ये तो हमें नहीं पता। एक्स्ट्रा लोग जब आते हैं ना भाई, मेहमान भी हों तो ये रिएक्ट करते हैं। लेकिन माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर प्रिंट है, झालर वगैरह, और हेल्थ में बहुत अच्छा है माशाल्लाह। इस साल की कुर्बानी है आपकी जी इंशाल्लाह, अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आपको 20-25 दिन और मेंशन करूंगा जी जी, मेंशन, मैंने आज तक कोई कुर्बानी अपने नाम की नहीं की, ठीक हो, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और ये भी उसी की निस्बत से है, उन्हीं के नाम से है, अल्लाह के रस्ते में जाना है, और रिसाले सवाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मेरी 8वीं 9वीं कुर्बानी है माशाल्लाह, सेल्फ की, घर से तो सब करते आ रहे हैं माशाल्लाह, लेकिन कोई कुर्बानी मैंने अपने नाम की नहीं। सूफी साहब वो जो बकरियों का जिक्र कर रहे थे कि बकरी रखना, वो कुछ बता रहे थे आप, वो जरा वो ऐसा था कि ये बच्चा है, इसका नाम है एहसन अली, ठीक हो गया, इसको एक प्रॉब्लम चली थी बहुत सवियर अच्छा, हमने अपने ताई जो कुछ कर सकते थे, हुसैन भाई इसको पकड़ो, मैं अंकल से बात करूँ, हम जो कुछ कर सकते थे अपने ताई हमने किया, हमने इसके टेस्ट करवा लिए, हमने इसकी रिपोर्ट्स करवा ली, हमने इवन दैट के कैंसर तक के टेस्ट करवा लिए कि हमें पता चल जाए। इसके गले से जस्ट एक स्पिट आता था ब्लड का अच्छा, जिसे हम जिसे सादा जुबान में डकार कह लें, लेकिन वो डकार नहीं होता था, उसमें ब्लड आता था अच्छा। तो हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे कि या अल्लाह इसका क्या हल करें, तो मुझे बैठे बैठे ऐसे ही जेन में आया कि इलाज वगैरह तो हमने सारे कर लिए, तो क्यों ना सुन्नत नबवी ट्राई करें अच्छा। हॉस्पिटल था नवाज शरीफ हॉस्पिटल अच्छा, मुल्तान रोड पर, वहाँ गए हैं, डॉक्टर से बात की है प्राइवेटली, मैंने भाई को कहा यार गाड़ी जो है ना इधर बकरा मंडी की तरफ ले चलो अच्छा, कहता खैर खैरियत है क्या बात, मैंने कहा आप ले चलो अच्छा, वहाँ से बकरी लिए अच्छा, उस बकरी वो सोने वाली थी अच्छा, 4 से 5 महीने बाद हमारे 4 महीने बाद हमारे घर आके उसने डिलीवर कर दिया, ठीक हो गया, उसने 3 बच्चे दिए माशाल्लाह, हम उसमें मतलब है बिजी हो गए अच्छा, हमें एक अलग सी खेल मिल गया, रौनक मिल गई, खुदा की कसम द डिजीज विल डिसअपीयर, सुभान अल्लाह सुभान, मुझे अब आज तक नहीं पता। उसके अलावा हमारे वालिद साहब अल्लाह उनको जिंदगी दे, वो नमाज और जैसे बुजुर्ग होते हैं उनकी बहुत दुआएं थी, साथ ये अमल सुन्नत नबी का। दूसरा जो मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है, जो आप कहते हैं जी हालात मामलात क्राइसिस, वो भी मैंने देखे हैं, लेकिन आप यकीन करें
कि मैं अपनी सैलरी का 75% इन पे स्पेंड करता हूँ माशाल्लाह, और अल्लाह ताला ने मुझे उसका एक अलग नेमल बदल दे दिया माशाल्लाह जी माशाल्लाह। इनके पट्टे आएंगे सुबह, वो अलग से हैं, उसके बाद इनका दाना आएगा वो अलग से है, ये दूध पीती है, ये चाय पीता है माशाल्लाह। इसने 1 kg की चाय पीनी है, इसने 1 kg का दूध पीना है। गाय का देते हैं बीमार होती है, बकरी का देते हैं बीमार होती है, भैंस का पीना है। अच्छा, इसने भी भैंस का पीना है, इसने भी भैंस का पीना है। ठीक हो। और मेरी सेंस खत्म हो चुकी है, किस तरह के सेंसर अल्लाह ने इनके दिमाग में लगाए हैं। बच्चे बैठे होंगे, शाम होगी तो ये इनके साथ बैठा है, टेलीविजन भी देखता है। अगर इसको दही रोटी का बहुत शौक है, दही और रोटी बहुत शौक से खाता है, और चूरी जो हमारे पंजाब की एक रवायत है मीठी चूरी, वो बड़े शौक से खाता है। इन्होंने हमें ज़ाती तौर पे कुछ नहीं खाने देना। ये टीवी भी है, ये बच्चे हैं, सारा दिन इसके साथ खेलते हैं माशाल्लाह। मतलब ये एक फैमिली की तरह है, इसमें जानवरों वाली हिस्सियात अपनी जगह पे होंगी लेकिन एक फैमिली की फर्द की तरह। वो तो अब बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि आपके बेडरूम में सो रहा है, बेड पे लेट रहा है, और ये नहीं कि कभी कभार डेली 24/7 इधर एक साल से ऊपर हो गया तो उनके बेडरूम में ही रह रहा, तो फैमिली मेंबर की तरह ही है। बाकी क्या कहेंगे आसिम भाई इस बारे में, मेरे पास तो कोई वर्ड्स नहीं बचे। स्पीचलेस वर्डिंग है मेरे पास जनाब भाई, इसका बेमोल शौक और भाई इंतहा सुन्नत को निभाने की इंतहा। अगर किसी भाई ने वीडियो देखी है या देखनी है तो खुद ही बयान करें। मैं एक बात कहूँगा कि आसिम भाई ये शौक नहीं है कि महंगा जानवर ले लिया, लाखों का जानवर लेके मुलाजमों के पास दे दिया और खुद पता ही नहीं उस जानवर का क्या हो रहा है, या ये भी शौक नहीं है कि ब्लड लाइन ले ली बहुत अच्छी कि मैंने बहुत अच्छी ब्लड लाइन रखी हुई है। असल शौक ये है, मतलब ऐसा शौक तो मतलब मुझे लगता है कि लाखों में शायद कोई एक आधा बंदा होगा जिनमें एक बंदा आपके सामने पालना, पालना तो यार आसिम भाई मोहब्बत तो और माशाल्लाह जो पाल रहे हैं शौक कर रहे हैं उनकी एक मोहब्बत यार मोहब्बत तो मुझे भी है, प्यार तो मुझे भी, पर मैं अपने बेडरूम में नहीं रख सकता और मैं तो छत पे रखता हूँ। घर वाले तुम कहते घर से बाहर निकल जाओ तो बेडरूम में रखा तो फिर तो कोई चक्कर तक ही नहीं है। भाई ये तो सोसाइटी का हिस्सा है, देखें जानवर और इंसान एक जगह रहना मुश्किल होता है, और जब आप इस तरह के लिविंग स्टाइल में रहते हो, फर्श पक्के हो, इलाका भाई, और स्मेल होती है ना, एक टिपिकल स्मेल है इसकी, हमें नहीं आ पाती माजरत से, ये नहीं कि हम हमारा वो अंदर से मतलब स्मेल वाला मामला नहीं, हमें ना फील नहीं होती, जैसे ही कोई और आएगा उसे फील होगी और वो फौरन कंप्लेंट करता है क्या क्या खाया है, क्या क्या खा गया कमरे का चीज़ें। ये देखिए ना, अब आए मैं आपको दिखाता हूं। अब आप ये सिर्फ जुबानी कलामी नहीं है कि कमरे में रहता है, हाँ जी, इसकी पूरी जो है निशानी है, ये पूरा कमरा इस यहाँ पे ये क्या करता है जी, अपना सर रगड़ता है खारिज के लिए, इसलिए इसको उड़ा दिया। ठीक हो गया। उसके बाद जनाब ये देखें, ये टीवी इसका स्विच था यहाँ पर, बिल्कुल निशान नजर आ रहा है, ये पहले स्विच यहाँ था, इसकी हाइट यहाँ तक आती थी, जैसे इसकी हाइट यहाँ पे आई स्विच यहाँ पे चला गया, सही। फिर इसने यहाँ से स्विच तारे खा ले, फिर यहाँ पे अब ये लास्ट हमने इसको आखिर पे लगा दिया कि चलो फिर भी ये यहाँ तक पहुंच जाता है माशाल्लाह, तारे वगैरह तो सब खा चुके हैं। ये देखें, ये ड्रेसिंग को भी उड़ा दिया, कोई मसला नहीं। ये शीशे तोड़ दिए, एक दिन ना शाम को खुल गया खुद ही जंगले से, रस्सी को जोर मारा, रस्सी टूट गई है। तो मैं बड़े आराम से खाना खा रहा था, तो बच्चे कहते हैं कि देखिए देखिए पहलवान खोल गया, पहलवान दड़ाम जनाब शीशा गया, इसी तरह का लॉक था इधर, उसमें इसने सिंह फंसा के जोर मारा नीचे वो भी फारे। उसके बाद ये देखिए अलमारी, अब ये अलमारियों में हमने नीचे दाना रखा हुआ है, कपड़े नहीं है, ये इसके दाना वगैरह तूड़ी ये चीज़ें रखी हुई हैं, ये चीज़ें। अब आप खुद इस चीज़ का आइडिया कर रहे हैं कि ये कमरा हमारा नहीं इनका है, और मेरी वाले जैसे आप कहते हैं वाले साहब मेरे नाराज़ होते हैं, जहरी बात है कि उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से घर बनाया, तो कहते हैं कि बेटा ये तुम ठीक है करो शौक, लेकिन इतनी चीज़ें डैमेज तो ना करो। तो मैंने कहा कि अब्बा जी आप फिक्र ना करें, जो भी पॉसिबल होगा ना हम इसकी रिपेयर करवा लेंगे, लेकिन खुदा के लिए आप इसको और मुझे कुछ ना कहें। चलें आप ऊपर चलते हैं। हाँ मैं आपको छत का दिखाता हूँ, अभी मैं बाहर जाऊँगा, इन्होंने शोर कर रहा, अब देखें मुझे देख लिया, ये उठा देता है, आजा 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 आजा, अच्छा अच्छा अच्छा, जंगला जो है देखें अच्छा 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 अच्छा, बहुत अग्रेसिव है, अच्छा 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 बेटा, ये देखें माशाल्लाह ये देखें कहानी
ये हाथों को खाएगा। देखिएगा अभी और माशाल्लाह जो दिखाएंगे वो सेल परचेज का नहीं नहीं सेल मोहब्बत है बस। तो सूफी साहब आपने अभी तक कितने दोस्तों को ये शो करवाया मतलब आपको देखे कितने? हाँ, मेरे एक दोस्त थे क्योंकि उन्होंने हर किसी का शौक, एक ने कुत्ता रखा हुआ था बुलडॉग। अच्छा, वो मैंने उसको समझाया कि यार तेरा शौक मैं बुरा नहीं कहता, मैं आपको बुरा नहीं कहता उस शौक के लिए, आप करो, लेकिन यह है कि वो शौक करो जो सुन्नत नबवी हो, जिसमें आपको सवाब भी मिल जाए, आपकी ड्यूटी भी काबिल कबूल हो जाए। ठीक है, वो गार्डियन डॉग है या आपने फाइट के लिए रखा है गार्डियन है वो कह रहा। अच्छा अच्छा, कोई बात कोई बात कोई बात। वो एक का जी बुल डॉग छुड़वाया है। अच्छा, एक ने पाइथन रखा हुआ था सांप। अच्छा, अजदहा। अच्छा, उसको अल्लाह के फजल करम से कजन ही है मेरा। अच्छा, उसको घर ला के एक दिन अपने पास रख के उनकी सारी एपिसोड दिखा के फिर उसको इस शौक में कन्वर्ट कर दिया। अब वो वाले पाइथन वाले शौक नहीं करता। अच्छा, अब उसने भी छतरे रखे हुए हैं। अच्छा, वो कहता है बकरे की ड्यूटी मुझसे नहीं होती, लेकिन छतरे रख लिया उसने। अच्छा, ठीक हो गया, चले ऊपर चलते हैं। हाँ जी, अब ये माशाल्लाह जी सूफी साहब की छत पे आ गए हैं। गुलबर्ग में माशाल्लाह इनका घर है और ये शेड बनाए में पार्टीशन की भी मेरे हासिल बकरों की अलग बकरियों की अलग। तो इस शेड के अंदर खुले डुले चार बकरे और इस साइड पर चार बकरी हैं, उस साइड पर रह सकती हैं। सही है? हाँ जी। हाँ, मेरे तजर्बे के मुताबिक खुले डुले चार चार जानवर जो है ना, आ तो सात आठ भी सकते हैं लेकिन वो खराब हो जाएंगे, लेकिन चार चार जानवर जो है ना। क्या साइज है सूफी साहब शेड का आपके, लंबाई और चौड़ाई क्या अंदाजा? ये मेरा ख्याल है कि कोई उसकी जो चौड़ाई है वो 8 फीट होगी। अच्छा, और लंबाई जो है वो 14 फीट है। 8x14 का शेड है माशाल्लाह से। तो ये बकरियों का पोर्शन अलग है और ये बकरों का अलग है। इनकी भी जो स्टोरी है डिफरेंट है। ये भी किसी कसाई के पास जा रही थी किसी घर से, इसकी अच्छा। टांगे टेढ़ी हो गई थी। अच्छा, कैल्शियम की कमी की वजह से। हाँ जी, तो मैंने कहा यार काफी हद तक ठीक है। हाँ, मसला है पर काफी हद तक ठीक है। वो उसने इसको ज़िबा के लिए दे दिया। अच्छा, दोस्त था तो मैंने कसाई को उसकी पेमेंट करके, अच्छा, उसको मैंने कहा जो तुमने ऊपर चैन लेना है वो मुझसे ले लो, मुझे चाहिए। अच्छा, तो मैंने इसको फौरी तौर पे ज़िबा होने से बचाया। तो उसने कभी आपके पास कोई बच्चा डिलीवर किया? हाँ, इसने किया था लेकिन वो फीमेल थी, वो डेड हो गई थी, एक्सपायर हो गई थी। अच्छा, और इस फीमेल का? और ये फीमेल जो हमारी पहले बड़ी बकरी जो मैंने कहा बच्चे के लिए लाए थे, सबसे पहली बकरी जो इसके लिए लाए थे। अच्छा, ये उसमें की एक निशानी हमारे पास है। अच्छा, तो वो फीमेल का क्या बना? वो फीमेल हमने जो है गांव भिजवा दी थी। अच्छा, कि चलो वो थोड़ा सा उसका हमारे पास कंफर्टेबल जगह शॉर्ट हो रही थी। अच्छा, कुर्बानी के जानवर थे उस वक्त अपने घर के, 6 पाले हुए थे। अच्छा, माशाल्लाह। तो फिर वो मैंने भेज दी गांव में, अब वो उधर ही है। ये दोनों मेरे पास हैं क्योंकि बच्चों की एफिलिएशन इससे बहुत ज़्यादा है इनकी, तो ये इनकी वजह से है। और ये इस वजह से है कि मैंने जो भी कसाई किया बस ये मैंने अपने पास ही रखी हुई है क्योंकि मुझे कुछ कहना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को। देखें जी, बड़ी बात तो ये है कि आप लोग जो हलाल सुन्नत का काम कर रहे हैं, आपके काम को अप्रिशिएट करते हैं। और दूसरा ये है कि अपनी असल की तरफ आए। हमारी जो असल है ना वो सुन्नत रसूल से शुरू होती है, मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू होती है। तो उन्होंने अगर इनसे प्यार किया, जिसको यकीन नहीं आता या जो समझता है कि समझ में नहीं आता वो फ़कीर से राबता कर ले। मैं इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से उसको गाइड कर दूंगा अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक, वो भी इंशाल्लाह रखेगा इंशाल्लाह। और कोई दलील लेना चाहता हो तो उसके लिए इस्लामिक ला के जरिए इंशाल्लाह जी। तो बाकी सेल परचेज से इनका कोई तल्लुक मेरा नहीं है। मैं बाकी कोई मोहब्बत से मोहब्बत के लिए आप कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपकी बेनतहा मोहब्बत है कि आप फोर्स करते रहे और अल्लाह का शुक्र है कि आज फाइनली दोनों का टाइम डिसाइड हो गया। ये सूफी साहब ऑन कैमरा नहीं आना चाह रहे, मैं बस इन चीज़ों से वाइट करता हूँ। ये मेरी जो है रिक्वेस्ट पे आए हैं कि आप अपना शौक दिखाएं कि इस लेवल के भी शौकीन हैं। तो देख लिए कि आपने माशाल्लाह, माजरत से आपकी बात कर रहा हूं, ये नस्लों की तकसीम तो नहीं है, बिल्कुल ये मोहब्बत का मामला। ये देख लें कि माशाल्लाह नॉर्मल है वो, माशाल्लाह बकरा बकरी तो मुझे पर्सनली बड़ी पसंद आई है, ये भी बिल्कुल नॉर्मल सी बकरी है, लेकिन ये शौक का लेवल आप उनका देखे ना किस तरह उनकी चाहत है। और सलाम है सूफी साहब आपके शौक को, मेरा भी दोनों हाथों से दुआ फरमाएं बस। जी दुआ तो आप हमारे लिए करें, हम आपके लिए करते हैं। और जिस मिशन से हमने ये वीडियो बनाई है, अल्लाह करे कि लोग दूसरी चीज़ों से कायल हो के सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आ जाए, इसमें फ़ायदा भी है और कामयाबी भी है। अल्लाह जी, जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।